तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और टर्मिस ट्यूटोरियल की इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर क्या सीखा था, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर टर्मिक्स का ये जो पूरा इंटरफेस है ना, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो एक्स्ट्रा कुछ बटन्स आ रहे हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से सीख लिया था। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा दबाए रखोगे तो यहाँ पे ये कुछ मोर ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप मोर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम लोगों ने इन सारे ऑप्शंस के बारे में सीख लिया था। अब ध्यान से एक चीज़ समझो, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूँगा आप लोगों का। अब आप लोग मुझे बताओगे कि एग्जैक्टली जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। चलो, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको इन सारे ऑप्शंस के बारे में और वो जो मोर वाला ऑप्शंस था उसके बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। तो चलो, मुझे सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि ये जो कंट्रोल और ऑल्ट वाला बटन है ये एग्जैक्टली किस काम आता है। मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, कुछ बता सकते हो? चलो बताओ, मतलब सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भले गलत हो भले ही सही हो कुछ भी हो, बट तुम लोग बोलो। आई होप सो कि तुम लोगों ने कुछ ना कुछ बताया होगा। मैं वापस से रिवाइज करा दे रहा हूँ। कंट्रोल और ऑल्ट बटन यूज होते हैं शॉर्टकट्स के साथ। जैसे आप लोग कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जैसे शॉर्टकट्स यूज करते हो ना, वैसे टर्मेक्स के अंदर भी शॉर्टकट्स यूज होते हैं। बट अभी तक मैंने शॉर्टकट्स के बारे में आपको बताया नहीं है कि टर्मेक्स के अंदर कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं, तो अभी हम लोगों ने इसका यूज नहीं देखा। बट किस लिए यूज होता है ये चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। चलो अब मुझे एक और चीज बताओ कि ये वाला जो बटन है, इस बटन का मैंने क्या नाम बताया था आपको लास्ट वीडियो में? आई होप सो कि आपको याद होगा कि इसका मैंने क्या नाम बताया था, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ठीक, जिन लोगों ने बोला है कि इस बटन का नाम है टैब बटन, तो वो लोग सही हैं। और जिन लोगों को भाई बिल्कुल नहीं याद है तो भाई क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ पुरानी चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग में रखो, वरना आगे जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो सारे हो सकता है इधर उधर हो जाएं, ठीक है। चलो, एक छोटा सा और टेस्ट आपका लेना है मोर वाले ऑप्शंस के अंदर। यहाँ मोर पे मैंने क्लिक किया, अभी मुझे ये बताओ कि ये जो किल प्रोसेस है, ठीक है, ये जो किल प्रोसेस है एग्जैक्टली ये किस काम आता है, कुछ मतलब आइडिया लग पा रहा हो? बताओ बताओ। बिल्कुल ठीक, जिन लोगों ने बोला है कि ये जो अभी करंट विंडो हमारी खुली है, अगर मैं किल प्रोसेस यहाँ पे दबा दूंगा तो ये जो हमारी करंट विंडो है ये कंप्लीट तरीके से बंद हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं। सिंपल से यहाँ मैंने किल प्रोसेस दबाया और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप सही में इस सेशन को, या फिर देखो जो विंडोज यहाँ पे खुली है ना, जो भी काम यहाँ चल रहा होगा उसे हम लोग एक सेशन मान के चलते हैं, ठीक है। अभी सेशन के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, बट अभी ऐसा समझो कि जो भी एक विंडो खुली है उसे हम लोग सेशन कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या सही में आप लोग सेशन को किल करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं जैसे ओके दबाऊंगा तो यहाँ पे बोलेगा कि आपने जो भी काम बोला था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीटेड सिग्नल लाइन के साथ, ठीक है। अब ये बोलेगा आप इंटर दबा दीजिए, और जैसे ही आप लोग इंटर दबा दोगे आपका ये जो टर्मेक्स है ये कंप्लीट तरीके से बंद हो जाएगा। इसका मतलब है ये सेशन कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो गया। चलो, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो भी मैंने पिछले टाइम बताया था सब रिवाइज होंगी, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो टर्मेक्स की मतलब जान है। उसके बगैर टर्मेक्स में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं उनको तो भूल ही जाओ करना, मतलब ऐसा समझो कि ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कभी कभी होता नहीं था, सर जब तैयारी करवा रहे होते तो बोलते थे भाई ये जो क्वेश्चन है इसके आगे स्टार लगा लो क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिनके आगे सर बोलते थे कि भाई ट्रिपल स्टार लगा लो क्योंकि ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये 10 नंबर का रखा ही हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये टर्मेक्स के अंदर बस रखी हुई है। ये जब भी आप टर्मेक्स ओपन करोगे, जब भी कोई नया टूल इंस्टॉल करने जाओगे या फिर जब भी कोई नया काम करने जाओगे तो एक बार ये काम को ज़रूर करोगे आप टर्मेक्स में। तो ये काम है आपका APT अपडेट और APT अपग्रेड। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस कमांड के बारे में पता होगा, बट ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें इस कमांड के बारे में हो सकता है कुछ नहीं आइडिया हो। बट कोई बात नहीं, मेरे पास एक रियल लाइफ सिनेरियो वाला एग्जांपल है और ये आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा और तो आप लोग ये कमांड बहुत ही आराम से समझ जाओगे। आप लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, बहुत सारे लोगों के पास आईफोन होगा, ठीक है, हो गई। तो आप लोगों के फ़ोन में कभी ना कभी अपडेट तो आया होगा। बताओ, आप लोगों ने जब हो सकता है फ़ोन ख़रीदा हो अपना, तो वो फ़ोन हो सकता है एंड्रॉयड 10 पे चल रहा हो, बट कुछ टाइम बाद आपको एक सिक्योरिटी अपडेट या फिर एंड्रॉयड अपडेट का नोटिफिकेशन आया हो और आपका फ़ोन ऑटोमेटिक अपडेट हो गया हो और वो एंड्रॉयड 11 पे आ गया हो, या फिर कोई MI का फ़ोन यूज़ कर रहा हो
तो उसका MIUI वर्जन बढ़ गया हो, कोई ऑक्सीजन OS यूज़ कर रहा हो, मतलब आप समझ सकते हो ना, एंड्रॉयड के अंदर क्या आपको कभी अपडेट मिला है कि नहीं, सोचो, सोच के बताओ, कभी आया है कि नहीं। तो वो क्या होता था, वो होता था आपके फ़ोन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर पड़ा है, जो भी एंड्रॉयड का वर्जन पड़ा है, उसको अपडेट करने के लिए। इसीलिए कंपनी एंड्रॉयड अपडेट भेजती है, ताकि जो भी पुराने कोई ग्लिच हो, पुराना कोई बग हो, या फिर पुराने कोई एरर आ रहे हो फ़ोन के अंदर, वो सब फिक्स हो जाएं। अपडेट का यही तो काम होता है। तो वो लोग अपडेट भेजते थे, आप बटन दबाते थे, और यहाँ पे दो स्टेप में प्रोसेस होता था। आप जैसे ही अपडेट नाउ का बटन दबाते थे, तो सबसे पहले क्या होता है, अपडेट आपका डाउनलोड होता है। क्या होता है, ये दो स्टेप याद रखना। सबसे पहले क्या होता था, अपडेट डाउनलोड होता है, फिर आपका अपडेट इंस्टॉल होता है, और फ़ोन रिस्टार्ट हो जाता है, और फ़ोन अपडेटेड आ जाता है आपके पास। हो सकता है आपको डाउनलोड होते हुए प्रोसेस हर जगह ना दिखे, कुछ फ़ोनों में दिखता है, कुछ फ़ोनों में नहीं दिखता, बट प्रोसेस यही रहता है, ठीक है। तो सबके साथ ये हुआ है, हर किसी के पास फ़ोन है, सबके फ़ोन में अपडेट्स आते ही रहते हैं। तो वो अपडेट का बेसिकली यही मतलब है, फ़ोन के अंदर नई फंक्शनैलिटी को डालना, जो भी पुराने उसके अंदर मतलब ऐप वगैरह पड़े थे, उनके नए वर्जन्स को डालना, ठीक है। चलो, अब यही सेम कॉन्सेप्ट, लिटरली सेम डिट्टो कॉपी कॉन्सेप्ट आता है टर्मेक्स के अंदर। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मैनुअल करना पड़ता है। टर्मेक्स के जो अपडेट्स हैं वो सर्वर पे आ जाते हैं, बट सर्वर से टर्मेक्स के अंदर अपने आप अपडेट नहीं आते, ये अपडेट आपको मैनुअल खुद से करना पड़ेगा। और ये अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि एंड्रॉयड की तरह ये अपडेट्स बहुत मतलब देर बाद नहीं आते। जैसे कि एंड्रॉयड अभी 11 आया, तो भैया अब लग गया 6-7 महीना 12 आने में, ऐसा नहीं है। टर्मेक्स के अंदर क्या होता है, कोई एंड्रॉयड नहीं है, टर्मेक्स के अंदर किस चीज़ के अपडेट आ सकते हैं, टर्मेक्स के अंदर जो टूल्स हैं, टर्मेक्स के अंदर जो पैकेजेस हैं, जो भी हम लोग कमांड्स लिखते हैं, उनके अपडेट आते हैं। मतलब उनका कोई नया वेरिएंट बना होगा, उनके अंदर कुछ नई फंक्शनैलिटी डाली गई होगी, कुछ डेवलपर्स ने नए काम किए होंगे उनके अंदर, तो उनके अपडेट्स वो लोग भेजा करते हैं सर्वर पे, वो लोग अपलोड कर देते हैं। आपका बस ये काम है कि सर्वर से उन अपडेट्स को भैया डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना। और आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप अपने टर्मेक्स को 5-6 दिन बाद 10-15 दिन बाद या फिर कभी भी खोल रहे हो, तो आपको APT अपडेट और APT अपग्रेड करना बिल्कुल ठप्पा लगा लो, बिल्कुल ठप्पा लगा लो, बिल्कुल मस्ट है, मस्ट, समझ रहे हो ना। ये करे बगैर कोई भी दूसरा टूल ना चालू करना, कोई दूसरा काम ना करना, ये प्लीज़ ये करना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल से जो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ ना, वो कमांड आपको याद रखना है, ये आपको अपने मेमोरी में रखना है, ये वाला जो मैं कमांड आपको बता रहा हूँ। ये कमांड क्या है, APT अपडेट, ठीक है। जैसे आप APT अपडेट कमांड डालोगे ना, यहाँ पे क्या होगा, जो भी टर्मेक्स के अंदर, ठीक है, जितने भी टर्मेक्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स का क्या मतलब है, छोटे छोटे जो पैकेजेस हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, आप इनको टूल समझ सकते हो। टर्मेक्स के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि एक टूल आपको मैंने बताया था, आप उसको कमांड के रूप में देखते हो, बट वो एक छोटा टूल समझ सकते हो। जैसे कि नैनो, नैनो कमांड मैंने आपको बताया था ना, ये किस काम आता था हमारा नैनो कमांड, जल्दी से तुम बताओ। हाँ, तुम जल्दी से तुम बताओ, बिल्कुल। तो नैनो कमांड काम आता था टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए, बट क्या नैनो ये जो कमांड है, इसका कोई वर्जन होगा? बिल्कुल, नैनो कमांड का जैसे वर्जन 1 हो सकता है, और कुछ समय बाद हो सकता है डेवलपर्स ने नैनो कमांड के अंदर कुछ हेर फेर कर दिया हो, कुछ नई फंक्शनैलिटी डालो, तो वर्जन 2 हो सकता है, वर्जन 1.0, 1.2, 1.3, ऐसा कुछ हो सकता है। तो नैनो को हम लोग अपडेट कैसे करेंगे? ऐसे ही टर्मेक्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कमांड्स हैं, या फिर आप उनको कह सकते हो आपकी भाषा में टूल्स हैं, उन टूल्स को हम कैसे अपडेट करेंगे, ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है, APT अपडेट, ये कमांड बिल्कुल यहाँ पे उतार के रख लो, क्योंकि ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, APT अपडेट, मैंने एंटर दबाया, और यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों में ये चीज़ यहाँ पे ना हो पाए पूरी तरीके से, अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा हो, तो आपको सिंपल से क्या करना है, देखो एरर आ रहा हो मैं तो हेल्प करूँगा भाई, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप तो है ही मेरा, बट आपको मैंने ChatGPT के बारे में बताया था, अगर यहाँ कुछ भी एरर आए, कोई भी दिक्कत आए, वो आपको सिंपल से कॉपी पेस्ट करनी है ChatGPT के ऊपर, वहाँ पे उससे पूछना है कि भाई ये जो चीज़ें यहाँ पे लिख के आ रही हैं, इनका मतलब मुझे बताओ, और ये इनका सोल्यूशन क्या है ये भी मुझे बताओ। बट
अभी मैं आगे आने वाली वीडियोस में ये सारी चीज़ें, ये जो लिख के आ रही है ना, इनको हम लोग लॉग्स कहते हैं, इनके बारे में मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, तो मैं खुद अभी आपको समझाऊँगा। बट अभी के लिए आप सिंपल से मुझे कॉपी करो, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा करो और उससे आपके अंदर थोड़ी हैबिट आ जाए कि अच्छा हाँ भाई एपीटी अपडेट उन्होंने बताया तो था। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्या हैं ये नहीं समझ में आ रहा, कम्प्लीटली फाइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप सिंपल से मुझे बस कॉपी करो, मैंने एपीटी अपडेट लिखा, और एपीटी अपडेट लिखने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है। यहाँ पे मुझसे टर्मेक्स बोल रहा है कि 24 पैकेजेस हैं जिनके अपडेट आए हुए हैं। एपीटी अपडेट करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो भी पैकेजेस हैं जिनके अपडेट आए हुए हैं, टर्मेक्स उनको अपडेट डाउनलोड करके अपने पास रख लेता है। क्या समझे, इसने अपडेट डाउनलोड करके अपने पास रख लिया पर अभी तक इसने अपडेट्स को इंस्टॉल नहीं किया। जैसे कि एंड्रॉयड का जो अपडेट आता था ना, उसमें क्या होता था, मैंने आपको बताया ना, दो स्टेप में प्रोसेस होता था। सबसे पहले आपने दबाया अपडेट नाउ, वहां पे क्या होता था, ऑटोमेटिक अपडेट डाउनलोड हो गया और ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल भी हो जाता था, तो आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पे दोनों स्टेप आपको खुद करना पड़ेगा। एपीटी अपडेट करोगे तो जो भी अपडेट आया होगा, अगर अपडेट आया होगा, अगर आप भाई एक ही दिन में 5-6 बार एपीटी अपडेट करोगे तो हो सकता है अपडेट्स ना मिले, क्योंकि हर रोज अपडेट नहीं आते, बट फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, तो हर 2-3 दिन में एपीटी अपडेट कर लिया करो, ठीक है। तो एपीटी अपडेट आपने किया, इसने बोला कि 24 पैकेजेस के अपडेट हमें मिल गए। अब आप चाहते हो क्या उनको भैया इंस्टॉल करना? अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप सिंपल से लिखोगे एपीटी अपग्रेड। क्या लिखोगे? एपीटी अपग्रेड। सबसे पहले लिखोगे एपीटी अपडेट, ये स्टेप नंबर 1 है जो कि अपडेट्स को डाउनलोड करके रख लेता है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 है एपीटी अपग्रेड। अब जो भी तुमने डाउनलोड किया है उसको भैया इंस्टॉल कर दो, समझे। अगर तुम लोग डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 करोगे ना, एपीटी अपग्रेड डायरेक्टली कर दिए, तो आपका कुछ भी वर्क नहीं करेगा, मतलब कुछ नहीं होगा, लिटरली ना कोई एरर ना कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, सबसे पहले अपडेट डाउनलोड करेंगे फिर उसे इंस्टॉल करेंगे। और अगर आपको ये देखना हो कि किन किन चीज़ों के अपडेट इसने डाउनलोड किया है, तो वो चीज़ भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक कमांड इस जगह पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, एपीटी लिस्ट अपग्रेडेबल, मतलब वो लिस्ट दिखाओ मुझे जो अपग्रेड हो सकते हैं। अपग्रेड हो सकते हैं का क्या मतलब है? जो जो चीज़ें इसने भाई डाउनलोड की हैं एपीटी अपडेट की मदद से, उनकी लिस्ट ये पूरी आपको दिखा देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कमांड को पेस्ट कर दे रहा हूँ, और ये वाला जो छोटा सा कॉलन टाइप का ऊपर था ना, उसे हटा देता हूँ, और इंटर जैसे मैं दबाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे, ये बहुत सारे टूल्स या फिर कमांड, आप इनको जो भी कहना हो कह लो अभी की भाषा में, बट बिगनर लोगों के लिए ही यहाँ पे है ये अलाउ, कि वो चाहे टूल कहें या कमांड कहें। एडवांस लेवल के ऊपर एक बार आप पहुंचे तो सर्टेन चीज़ें ही आपको कहनी पड़ेंगी। अगर वो टूल है तभी टूल कहोगे, कमांड है तो तभी कमांड कहोगे। ये अभी आपको मेमोराइज कराने के लिए और आपके हैबिट में डालने के लिए मैं आपको छूट दे रहा हूँ कि आप टूल कहो या कमांड कहो, बट आगे नहीं होगा, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले अपडेट आया है किसका? एपीटी का। हम लोग एपीटी अपडेट अभी एक कमांड यूज़ कर रहे हैं ना, वैसे एपीटी के बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है कि ये कमांड एग्जैक्टली है क्या, मैंने डायरेक्ट यूज़ करवा दिया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एपीटी का वर्जन 2.8.1 आ चुका है, और ये जो है वो अपग्रेड किससे होगा? 2.7.14 से। मतलब हमारे टर्मेक्स के अंदर क्या पड़ा था? 2.7.14, मतलब 2.7.14 पड़ा था, बट अभी के टाइम में जो डाउनलोड हुआ है लेटेस्ट अपडेट वो कौन सा हुआ है? 2.8.1। ऐसे ही दूसरा ये जो बैश कमांड है, इसका अपडेट कौन सा डाउनलोड हुआ है? इसका अपडेट डाउनलोड हुआ है 5.2.32, ठीक है। और हमारे पास पहले कौन सा था? 5.2.26 और -1, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, और आप लोग क्या करो, बाकियों को खुद से देखो एक बार, नीचे स्क्रॉल करना अपने फ़ोन में, और खुद से एक बार देखो कि अच्छा यहाँ पे नया वाला कौन सा वर्जन आया है, 1.50, और पहले कौन सा था, 1.49। ये जो अपग्रेडेबल लिखा है ना, अपग्रेडेबल फ्रॉम, इसका मतलब समझो, अपग्रेडेबल फ्रॉम का क्या मतलब है? मतलब इस चीज़ से मैं अपग्रेड करने जा रहा हूँ। मतलब कोई ये चीज़ पहले थी, सपोज करते हैं कि ये मेरे पास एसी का रिमोट पहले था, अब इससे मैं अपग्रेड करने वाला हूँ नए एसी के रिमोट को, ठीक है। मतलब ये पुराना हो गया है, मैं नया एसी का रिमोट लेने वाला हूँ। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो एपीटी अपडेट कमांड का काम था वो तो कंप्लीट हो गया है।
हमने सारे पैकेजेस डाउनलोड करके रख लिए। अब आपको क्या करना है, एपीटी अपग्रेड। तो यहाँ पे मैं एपीटी अपग्रेड लिख करके सिंपल से एंटर दबा देता हूँ। तो जैसे मैंने एपीटी अपग्रेड लिख करके एंटर दबाया, आपको कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर कुछ लोग चौंक गए हों कि भैया आपने कलर और फॉन्ट को चेंज किया है क्या, हाँ भाई कुछ अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी एग्जैक्टली, कुछ मतलब क्रैश हो रहा था ये, तो मैंने क्या किया है टर्मेक्स को रीइंस्टॉल कर दिया है। बट आपके में ये नहीं होगा, आपके में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आए तो भाई मुझसे बात कर सकते हो, ग्रुप वगैरह सब है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, एपीटी अपग्रेड। जैसे आप लोग लिखोगे ना, तुरंत यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से कुछ चीज़ें पूछेगा, ये बोलेगा कि आप लोग क्या श्योर हो जितने भी यहाँ पे टूल्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, ये आपसे एक बार परमिशन लेगा। अब भाई बिल्कुल अपग्रेड तो करना ही है, उसी अपग्रेड करने के चक्कर में तो एपीटी अपडेट किया था। सारे टूल्स के अपडेट डाउनलोड किस लिए किए, कि भैया उनको नए वर्जन पे लेकर आना है ना, बिल्कुल। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, वाई दबाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे वाई लिख करके एंटर किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये जो एपीटी अपग्रेड वाला पूरा प्रोसेस था ना, ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी हमारा एपीटी अपग्रेड बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। हो सकता है बीच बीच में यहाँ पे आपसे यस या फिर नो के लिए वापस से पूछा जाए कि भाई क्या आप सही में एपीटी अपग्रेड करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, मतलब वाई या फिर नो, ऐसा कुछ हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, बट ज़्यादातर टाइम होता नहीं। बट आपको मैं क्या कहता हूँ, एक बार जब आप लोग एपीटी अपग्रेड कर लो ना, आपको क्या करना होगा, एक बार और करके देखना, समझ रहे हो ना। कभी कभी एपीटी अपग्रेड करते वक्त कुछ ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसी फाइल्स होती है ना जो कि अपग्रेड नहीं हो पाती हैं, तो आप क्या करोगे, एक बार और, ठीक है। एक बार हम लोगों ने एपीटी अपग्रेड चला दिया है, बट हम लोग क्या करेंगे, एक बार और इसी कमांड को हम लोग चलाएंगे, और ये कमांड हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक यहाँ पे ये चीज ना लिख के आ जाए कि जीरो अपग्रेड, जीरो न्यूली इंस्टॉल, जीरो टू रिमूव। इसका क्या मतलब है, सारी चीज़ें पहले ही अपग्रेड हो चुकी हैं, अब आपके पास कोई भी नया अपग्रेड करने के लिए मटेरियल नहीं बचा, ठीक है। तो आप लोग भाई मेरे अंदाजे से जब दूसरी बार ये चलाओगे ना, तो ये खुद ही ऐसा कह देगा। और अगर कोई भी पैकेज छूटे होंगे, अपग्रेड नहीं हुआ होगा कोई पैकेज, तो ये क्या करेगा, फिर से आपसे यस नो पूछेगा, आप यस लगा करके सिंपल से एंटर कर देना और ये अपग्रेड कर देगा। अब ध्यान से एक चीज़ समझो, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीखा है। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे बताना है आपको। कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आप एपीटी अपडेट करो तो आपको एरर देखने को मिले, एपीटी अपग्रेड करो तब आपको एरर देखने को मिले, तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग आगे वैसे भी कवर करने वाले हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि भैया यार आपने कर दिया यार बट मेरे से हो ही नहीं रहा है, भाई ये सीरीज़ अभी बहुत लंबी चलेगी, मैं बहुत बार एपीटी अपग्रेड और एपीटी अपडेट आपको समझाऊंगा। तो भाई मतलब बिल्कुल अपने दिमाग से चिंता निकाल दो कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे कुछ भी नहीं हुआ तो भाई अब मैं क्या करूँ, फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जब तक मैं हूँ भरोसा रखो सब होगा। एरर आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, ये भाई पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ठीक है, ये टर्मेक्स की जर्नी में एक प्रोसेस है, ठीक है। एरर से कभी डरो मत, एरर को दोस्त बनाओ, वो आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल। इसमें हो सकता है अभी ये आप कर रहे हो आपके में कोई एरर ही आ गया हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। जब तक मैं तुम्हें इस कैपेबल नहीं बना देता कि खुद से तुम एरर्स को फाइंड आउट करो, उनको सॉल्व करो, तब तक उन बस ऐसा समझो कि मैं एक नई चीज़ सीख रहा हूँ और इसके अंदर छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, बस हार नहीं मानना है, ठीक है। चलो तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।